हेलो एवरीवन, मेरा नाम परीना जैन है। ये मेरे पापा हैं, मिस्टर पवन कुमार जैन। हम जयपुर के ही रहने वाले हैं, मानसरोवर से। और मेरे पापा की अभी अभी मणिपाल हॉस्पिटल में डॉक्टर ललित मलिक ने MICS के थ्रू माइट्रल वॉल्व रिपेयर सर्जरी करी है। आप पापा को देख रहे हैं, एकदम फिट हैं, फाइन हैं। हमको आज से, मतलब आप मान लीजिए, ये तकलीफ पापा को शायद 1.5 साल पहले से चल रही है, पर हमें पता नहीं लग पा रही थी। ये था कि सांस फूलती है, थकान जल्दी हो जाती है, पर उसका कारण नहीं पता लग पा रहा था। फरवरी में मेरे पापा बाहर घूमने भी गए थे, वहाँ से जब आए तो उनको बहुत एक्सट्रीम कफ था, तो हमें नहीं पता लग पाया कि ये किस वजह से है। तो एडमिट भी रहे हॉस्पिटल में, वहाँ पर डॉक्टर्स ने निमोनिया बताया थे कि लंग्स में निमोनिया हो गया है। उसका ट्रीटमेंट चला, 10 डेज हॉस्पिटलाइज रहे, वहाँ ट्रीटमेंट चला, एंटीबायोटिक्स चली, पर रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। फिर जब हमने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया, पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाया स्पेसिफिकली, तो उन्होंने ये बताया कि प्रॉब्लम पल्मोनोलॉजिस्ट की नहीं है, प्रॉब्लम कार्डियक इशू है कुछ। हमें उसके बारे में कोई क्लू नहीं था। फिर हमने कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, उन्होंने ये बताया कि माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हो रहा है, जिसके लिए सर्जरी करना ज़रूरी है, सर्जरी के थ्रू ही वो ठीक हो पाएगा। फिर हमने कार्डियक सर्जन ढूंढना शुरू किया। जयपुर के सारे नामी हॉस्पिटल्स हम लोग गए, सब बड़े हॉस्पिटल्स हम गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया। सबने ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में बताया, जिससे हम काफ़ी डर गए थे। ओपन हार्ट सर्जरी बहुत ही बड़ा नाम है, हम डर गए थे उससे। फिर हम हमारे ही रिलेटिव के थ्रू, डॉक्टर गौरव के थ्रू, हम डॉक्टर ललित आदित्य मलिक के पास यहाँ मणिपाल हॉस्पिटल में आए। थोड़ा सा मैंने पढ़ा आने से पहले कि क्या टेक्निक होती है ये, कुछ MICS के बारे में पढ़ा, गूगल पे सर्च किया तो बहुत कुछ पता लगा इसके बारे में, और सब जगह सर का नाम था। तो मैं एक तरीके से ये सेटिस्फाइड थी कि सर इस चीज़ में बहुत ही फाइन है। जब हम यहाँ पर आए, सर से मिले, हमने ये केस सर को बताया, बिकॉज ये माइट्रल वॉल रिपेयर कहीं पर भी हमने नहीं सुना, रिप्लेस ही होता है, रिपेयर कहीं नहीं सुना। बट सर से मिलकर ये कॉन्फिडेंस आया कि सर खुद कॉन्फिडेंट थे कि माइट्रल वॉल्व रिपेयर हो जाएगा, एंड दैट टू MICS टेक्निक से। तो इतना बड़ा ऑपरेशन आपका छोटे चीरे में अगर हो जाए, उससे तकलीफ भी कम होती है। आज आप देखिए, 4 दिन ही हुए हैं ऑपरेशन को मेरे पापा के, बट आपके सामने बैठे एकदम अच्छे हैं, और आज हम घर भी जा रहे हैं। तो हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, सिर्फ डॉक्टर्स से ही नहीं, स्टाफ से, मैनेजमेंट से, केयर से, और सारे इनफैक्ट गार्ड से, सब से हम फुली सेटिस्फाइड हैं, 0 कंप्लेंट्स। सबने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और हमारी चिंता को बिल्कुल 20% कर दिया था इन सब ने, सो वी आर सेटिस्फाइड। बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि बच्चे लोग होते मेरे साथ थे तो मेरी हिम्मत बनी हुई थी, अदरवाइज में तो हिम्मत हार ही गया था। और सेकंड, यहाँ एक बार हॉस्पिटल में जैसा डॉक्टर्स ने और यहाँ के स्टाफ ने मेरे को हिम्मत बनाई, हिम्मत दिलाई, उसके अनुसार मैं निश्चिंत हो गया था, और आज मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ, जिसके लिए मैं सारी मणिपाल ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।